बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू केयर एडेनियम प्लांट इन मॉनसून सीजन। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, हर तरफ बारिशें हो रही हैं। बारिशों की वजह से जो है वो कुछ प्लांट्स खराब भी हो रहे हैं और प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। बारिश सब प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन एडेनियम को चूँकि पानी कम चाहिए होता है, इसलिए जो है वो एडेनियम के लिए जो है वो बारिश खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपने एडेनियम को धूप में रखा हुआ है, आउटडोर रखा हुआ है, तो सेम टाइम पे जो है वो बारिश एडेनियम को नुकसान भी पहुंचा सकती है। एडेनियम अगर बारिश में पड़ा रहेगा और उसमें जो है पॉट में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो ज्यादा पानी जो है वो एडेनियम के लिए नुकसानदेह हो सकता है और जो है आपका एडेनियम प्लांट बारिश की वजह से खराब भी हो सकता है। एडेनियम जो है इसे धूप भी पसंद होती है, मॉइस्चर भी पसंद होता है, इसलिए जो है वो मॉनसून में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो एडेनियम की ग्रोथ भी बाकी प्लांट्स की तरह अच्छी रहती है। अगर आप इसकी जो है वो मिट्टी का ख्याल रखें, प्लांट का ख्याल रखें कि इसमें ज्यादा पानी जमा ना रहे। लेकिन अगर आपको अपना प्लांट बारिश में आउटडोर ही रखना है और आप चाहते हैं कि प्लांट मरे भी ना और उसके लिए जो है वो ग्रोथ भी अच्छी होती रहे, तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि आपके प्लांट की सॉइल जो है वो बहुत वेल ड्रेनेज होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। बारिश जैसे हो और पॉट में पानी इकट्ठा हो तो जो एक्सेसिव वाटर हो वो पानी के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आप जहां रहते हैं वहां की सॉइल वेल ड्रेनेज नहीं है, सख्त है, तो आप उस सॉइल में सैंड मिक्स करें जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, उससे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा बन जाता है। जिस मिक्सचर से आप इसकी सॉइल एडेनियम की तैयार कर सकते हैं वो ये है कि आप 80% सॉइल लें और उसमें 20% सैंड मिक्स करें और एडेनियम के लिए पॉटिंग मिक्स बनाएं। यहाँ जो है वो आप जिस तरह से कैक्टस के लिए आप 50-50 की रेशियो से सॉइल पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, सॉइल तैयार करते हैं, आप उस तरह से भी जो है वो एडेनियम के लिए सॉइल तैयार कर सकते हैं। अगर सॉइल ज्यादा चिकनी है और उसमें जो है आपने एडेनियम लगाया हुआ है, तो आप उसकी सॉइल जो है उसको ज्यादा सैंडी बनाएं, ज्यादा पोरस बनाएं। उसके लिए आप 40% जो है वो सैंड मिक्स करें और 60% जो है वो सॉइल मिक्स करें जो आपकी जो भी एरिया में आपके अवेलेबल है, और उससे जो है वो आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं। जितनी सॉइल पोरस होगी, वेल ड्रेनेज होगी, उतनी ही जल्दी पानी ड्रेन हो जाएगा ड्रेनेज होल से। एडेनियम का कॉडेक्स जो होता है ये सॉफ्टवुड होता है, ये आप देख सकते हैं सॉफ्टवुड होता है, तो अगर जो है वो ज्यादा देर तक पानी ठहरा रहेगा, पानी खड़ा रहेगा पॉट में और इसके साथ टच होता रहेगा, जैसे ये देखें अभी ये गीला है, जितना ज्यादा जो है वो इससे टच होता रहेगा पानी, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि फंगस जो है वो अटैक कर सकता है इसके कॉडेक्स पे। ये बहुत एक्सपोज होता है फंगस के लिए जब इसमें पानी ज्यादा देर तक ठहरता है, तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपके प्लांट में ज्यादा देर तक पानी ना ठहरे। मैंने जब एडेनियम प्लांट लगाया था तो मेरे पास जो है वो पोरस सॉइल नहीं थी, तो मैंने इसकी सॉइल इस तरह से तैयार की थी कि ये बजरी जो है बजरी सॉइल में मिक्स करके, ये देखें ये कितनी सॉफ्ट मैंने इसकी सॉइल बनाई हुई है। इसे जो है वो जब भी मैं पानी देता हूँ ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता, पानी जो है वो जल्दी से ड्रेन हो जाता है। इस पॉट में जो है वो मिट्टी थोड़ी चिकनी है, इसको जो है वो अभी बारिशों का मौसम शुरू हो गया है, तो मैं इसमें जो है वो मिट्टी चेंज कर दूंगा, इसकी मिट्टी निकाल के इसमें जो है वो सैंड मिक्स करके दोबारा से इस प्लांट को लगा दूंगा। और इस वाले एडेनियम में भी देखें कितनी पोरस सॉइल है, इसमें मैंने बजरी मिक्स की हुई है, उसकी वजह से इसमें जो है वो ड्रेनेज जो है वो सिस्टम अच्छा बना हुआ है, जब भी मैं इसमें पानी देता हूँ तो जल्दी से जो है वो पानी ड्रेन हो जाता है। आप भी अपनी सॉइल इस तरह से बना सकते हैं, अगर आपके पास सैंड भी अवेलेबल ना हो और आपकी सॉइल भी पोरस ना हो, तो आप उसमें जो है वो ये कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली बजरी जो है इसके पीसेस भी मिक्स कर सकते हैं, चिप्स के पीसेस भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, उससे जो है वो आप अपनी सॉइल में ऐड करें और उसमें आप अपना एडेनियम लगा दें। एडेनियम प्लांट आपको पता है कि डेजर्ट में ग्रो करता है, इसको डेजर्ट रोज भी कहते हैं, और डेजर्ट में जो है वो बिल्कुल सैंड होती है, सैंड बहुत वेल ड्रेनेज होती है। अगर आप इसे बिल्कुल सैंड में भी ग्रो करें तो भी ये ग्रो हो सकता है, अच्छे से ग्रो होता रहेगा, इसकी रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप होती रहेंगी। और एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है,
वो ये कि इसे आप ऐसे गमले में लगाएं जिसकी डेप्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें जो है वो ज्यादा नीचे तक जो है वो पानी नहीं जाना चाहिए। ये देखें, मैं आपको पॉट सिखाता हूँ। ये देखें, ये भी छोटा गमला है, इसकी भी डेप्थ ज्यादा नहीं है, और ये जो सबसे पुराने वाला है इसकी डेप्थ भी देखें ज्यादा नहीं है। जिस पॉट में आप इसे लगाएं उसकी विड्थ भले जो है वो जितनी मर्जी ज्यादा हो, लेकिन उसकी हाइट लेंथ जो है वो उसकी कम होनी चाहिए, ज्यादा जो है वो लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा लेंथी होगा तो उसमें ज्यादा नीचे तक पानी जाएगा, ज्यादा चांसेस हैं कि नीचे जो है वो ज्यादा देर तक गीला रहेगा, इसकी रूट्स गीली रहेंगी और फंगल अटैक जो है वो इसके ऊपर किसी भी टाइम हो सकता है। और एक काम जो आपने बारिश के सीजन में ही करना है वो ये कि आपने अपने एडिनियम को जो है वो किसी स्टैंड वगैरह के ऊपर रखते हैं, किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां से जो है वो नीचे से इसकी बेस जो है वो ब्लॉक ना हो, इसका बेस वाला एरिया जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये वाला एरिया, ताकि जो एक्सेसिव वाटर है वो इस जगह से निकलता रहे। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है जिसके ऊपर आप एडिनियम को प्लेस कर सकते हैं, तो फिर आप ये करें कि दो पत्थर लें, ईंटें लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लें, उसके ऊपर जो है वो स्टैंड को रख दें। मैं आपको अभी जो है वो रख के दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से पत्थर लें और इनके ऊपर जो है वो आप पॉट को प्लेस कर दें। इस तरह से, ताकि जो है वो इसकी बेस जो है इसका बेस एरिया जो है वो पैक ना हो, नीचे से जो है वो इसकी बेस से जो है वो जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे से निकल जाए। अभी भी अगर जो है वो आपके एडेनियम की मिट्टी जो है वो वेल ड्रेनेज नहीं है और बारिशों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, बारिशें होना स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी भी आप जो है वो इसकी मिट्टी चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है, सॉयल और सैंड का मिक्सचर बनाएं, पॉटिंग मिक्स बना के उसमें जो है वो आप एडेनियम लगा दें। चिकनी मिट्टी में ना लगा रहने दें और ऐसी मिट्टी में ना लगा रहने दें इसे बारिश के मौसम में, जिसमें जो है वो पानी ज्यादा देर तक ठहरा रहे और जो है वो आपका प्लांट जो है वो खराब हो जाए। अगर मिट्टी नहीं चेंज कर सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है या आपको मुश्किल लग रहा है और एडिनियम जो है वो बारिश में पड़ा हुआ है, तो फिर एडिनियम जो उसको बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिंपली ये करें कि एडिनियम को उठा के शेड में रख दें, ऐसी जगह पे रख दें जहां पे बारिश का पानी ना आता हो, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो धूप प्लांट को मिलती रहे, मॉइस्चर प्लांट को मिलता रहे, तो ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और बारिश का मौसम खत्म होने के बाद फिर दोबारा से आप जो है वो इसे बाहर ऐसी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे इसे जो है वो डायरेक्ट लाइट भी मिले और जो है वो हवा और नमी वगैरह भी इसे अच्छी तरह से मिलती रहे। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एडिनियम की सॉइल जो है वो कैसी होनी चाहिए। एडिनियम जो है उसे एल्कलाइन सॉइल पसंद होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश थोड़ी एसिडिक नेचर की होती है और इसको जो है वो एल्कलाइन नेचर पसंद होती है। तो फिर वो एसिडिक पानी जब ज्यादा देर तक प्लांट के अंदर ठहरा रहता है तो जो है वो आपका प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग जो है वो ये चीज कहते हैं कि जी बारिश में हमारा एडिनियम खराब होना शुरू हो गया है, हालांकि बारिश में जो है वो प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो उसकी रीजन यही है कि एडिनियम को एल्कलाइन सॉइल पसंद होती है। जब एसिडिक सॉइल जो है वो प्लांट में पानी इकट्ठा होता है, एसिडिक पानी इकट्ठा होता है, तो जो सॉइल है उसका पीएच चेंज होना शुरू हो जाता है और प्लांट जो है वो इस चेंज को रिजिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम में जब बारिश ना हो रही हो तब आप प्लांट को पानी दें, ताकि जो है वो उसे उस टाइम में पानी जब आप इसे देंगे तो सॉइल का पीएच जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर बारिश होगी भी और इसकी पीएच चेंज होगी भी, तो जब आप इसे नॉर्मल जो पानी आप प्लांट्स को देते हैं वो पानी देंगे तो दोबारा से इसकी सॉइल जो है वो उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा और प्लांट जो है वो फिर से अच्छे से ग्रो करने लगेगा।
एक और चीज जिसका आप ख्याल रखेंगे बारिश के मौसम में, वो ये है कि बारिश के मौसम में आप एडिनियम को फर्टिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि सॉइल जो है वो पहले ही बारिश के पानी की वजह से एसिडिक हो गई होगी। अगर आप ऊपर से जो है वो इसे फर्टिलाइज भी कर देंगे तो प्लांट जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाएंगे और ये जो है वो इसमें फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बारिश जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है तमाम प्लांट्स के लिए। जब भी बारिश हो अपने प्लांट्स को जरूर, इंडोर प्लांट्स को भी आउटडोर प्लांट्स को भी बारिश में नहलाएं, क्योंकि ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। इसलिए आपने बारिश के मौसम में जो है वो अपने प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करना। एडिनियम प्लांट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये कि इसे फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है, बहुत जल्दी लगता है। जब बारिशें होती हैं तो मिट्टी गीली रहती है, जिससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि फंगस लग जाएगा आपके प्लांट को, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर में फंगस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। उसकी केयर ये है कि जब बारिश ना हो तो आप कोई भी फंजीसाइड हाफ टी स्पून या उससे भी थोड़ा कम गमले की साइड्स में इस जगह पे आप जो है वो डाल दें और इसे जो है वो अच्छी तरह से पानी दे दें। जब भी फंगस अटैक करेगा तो जो है वो आपने ऑलरेडी इसका इलाज किया होगा, आपने प्लांट को प्रोटेक्ट किया होगा फंजीसाइड डाल के, तो फंगस जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा और फौरन जो है वो खत्म हो जाएगा। आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और अगर आप एडिनियम को ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं बारिश के मौसम में, तो भी न्यू पॉट की मिट्टी जो भी आप ऐड करेंगे उसमें आप जो है वो फंजीसाइड पहले ऐड करें हाफ टी स्पून या अपने गमले के हिसाब से, उसके बाद जो है वो आप एडिनियम को ट्रांसप्लांट करें। अगर आपके पास जो है वो फंजीसाइड नहीं है तो आप हमारे घर में किचन में जो हल्दी यूज होती है, हल्दी पाउडर यूज होता है, उसकी हाफ टी स्पून जो है वो आप वो भी यूज कर सकते हैं प्लांट में, उससे भी साइड्स में जो है वो आप डाल दें और मिट्टी को जो है वो ऊपर से सेट कर दें साइड्स में डाल के, और फिर ऊपर से आप प्लांट को पानी दे दें। और बारिश के मौसम में एक और चीज जो आपने करनी है वो ये कि 7 से 10 दिन के बाद 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून फंजीसाइड मिक्स करें और उसे जो है वो आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहें, लीव्स के ऊपर स्प्रे करते रहें। ये देखें मैंने अभी स्प्रे किया हुआ है, अभी भी इसके ऊपर से ये गीला है। इसकी वजह ये होती है कि फंगस जो है वो ना सिर्फ कॉर्डेक्स पे अटैक कर सकता है बल्कि जो है वो लीव्स के ऊपर भी अटैक करता है, और लीव्स जब खराब होना शुरू होते हैं तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्लांट को खराब करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में हम कटिंग्स भी लगाते हैं, अगर आपने एडिनियम की कटिंग्स भी लगाई हुई हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो सीडलिंग आपने की हुई है या कटिंग लगाई हुई है उसको भी आप ये फंजीसाइड वाला जो आप स्प्रे करेंगे वो आप उनके ऊपर भी करें, ताकि जो है वो आपकी कटिंग्स भी महफूज रहें। ये सारी केयर्स थी जो आपने बारिश के मौसम में अपने एडिनियम के लिए करनी है। एडिनियम जो है वो उसको कम पानी चाहिए होता है, इसलिए इसकी केयर बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। नॉर्मली जो है वो प्लांट्स की हम इतनी केयर नहीं करते बारिश में, वो अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन एडिनियम को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर हिट करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गुड बाय।